हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार गार्जियंस। मैं उमेश सेनरा। आज आपसे विशेषकर आज के परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज के परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन करते हुए आप अपने समय को बिता रहे होंगे। बच्चों, आपके लिए विशेष संदेश है कि आप घर से बाहर ना निकलें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और खाना खाने से कम 1 मिनट तक साबुन से हाथ धोएं, तभी खाना खाएं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे अधिकतर बच्चे इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं, इंटरनेट से जुड़ चुके हैं और अपने होमवर्क को डेली हमारे पास भेज रहे हैं और इस प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही नए गार्जियंस भी हर रोज़ इससे जुड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छे संकेत हैं इस बात के कि जल्द ही हम इस सिस्टम को समझ लेंगे और ये जो जंग है इसको जीत लेंगे। गार्जियंस और बच्चों, एक बात यह समझने की है कि जो सिस्टम है इंटरनेट के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, ये सिस्टम कोई नया नहीं है। ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। विदेशों में तो बहुत पहले से इसको प्रयोग किया जा रहा है। हमारे देश के बहुत सारे शहरों में, बड़े शहरों में, बड़े नामचीन स्कूलों में भी ये बहुत पहले से इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता रहा है, आज भी हो रहा है। हम तो बहुत पीछे हैं उन स्कूलों से। अब समय ऐसा है कि हमें इनके साथ अपने आप को बदल करके इस शिक्षा प्रणाली को अपनाना और समझना होगा। हम 24 घंटे स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए। जब मन करे, मन चाहे, तब अपने इस चैनल पर जाओ और अपने मनचाहे सब्जेक्ट को अपने टीचर के माध्यम के द्वारा इसे पढ़ लो। यानी जब मन करे तब आप इसको यूज कर सकते हो। आमतौर पर हम ट्यूशन पढ़ते हैं। अब देखा जाए तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम 24 घंटे आपके साथ हैं, यानी आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर आप ट्यूशन पढ़ते भी हैं तो ये चैनल आपके ट्यूशन टीचर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यानी वो स्कूल के सिस्टम को समझ करके, टीचिंग सिस्टम को समझ करके आपको ट्यूशन देगा तो और आपका आपका और ज़्यादा विकास होगा। आपको और भी ज़्यादा वो बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एक बड़ा विशेष फायदा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप कहीं भी हैं, अपने मामा के यहाँ या बुआ के यहाँ गए हुए हैं और आपको एक चिंता है कि आपका क्या होमवर्क आ रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, तो आपको बस केवल एक काम करना है, या तो अपना फ़ोन साथ ले जाएं, और अगर आप अपना फ़ोन साथ नहीं ले जा सकते तो अपने मामा या बुआ यानी कोई भी फ़ोन जिस पर आप होमवर्क स्कूल से मंगाना चाहते हैं, अपना नाम, अपनी क्लास और फादर नेम हमारे सेंड करें। एक वेरिफिकेशन के बाद उस मोबाइल नंबर को स्कूल के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपका होमवर्क वहाँ जाना शुरू हो जाएगा। यानी आप वहाँ भी स्कूल से कनेक्टेड रहेंगे, अपना होमवर्क कर पाएंगे। जब वहाँ से आप वापस चलें तो फिर एक बार इसी प्रकार मैसेज भेज दें और उसमें एक लाइन लिख दें कि मेरे इस नंबर को आप इस ग्रुप से हटा दें ताकि आपके उस नंबर पर होमवर्क जाना बंद हो जाए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको अनलिमिटेड नॉलेज देने में सक्षम हो जाएंगे। स्कूल का एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर हम कुछ लिमिटेड ही पढ़ा पाते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम आपको अनलिमिटेड पढ़ा सकते हैं। स्कूल में छुट्टियां भी होती हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम आपसे 365 दिन, 365 डेज जुड़े हुए हैं। हम आपको 365 डेज वर्क भेजते रहेंगे, यानी आपको अनलिमिटेड नॉलेज हम देंगे। गार्जियंस के अंदर भी एक बात, एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि उसके उनके बच्चों को आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क भी उनके दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि
वो स्कूल में आखिर क्या सिलेबस चल रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है और कौन पढ़ा रहे हैं, ये भी एक विशेष इस चैनल के माध्यम से उपलब्धि रहेगी। कुछ निगेटिव विचारधारा वाले व्यक्ति कहते हैं कि इंटरनेट से जो एजुकेशन दी जा रही है बड़ी नीरस है, असंभव है इससे बच्चे को पढ़ाना। उनकी जानकारी के लिए मुझे एक बात मैं यहाँ कहूँगा, मुझे एक कहानी याद आती है। एक एकलव्य नाम के एक व्यक्ति थे, एक बच्चा था जिसकी इच्छा थी कि मैं गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुर्धर विद्या सीखूं। उनके पास जाता है लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी उसे धनुर्धर विद्या सिखाने के लिए मना कर देते हैं। अब उसकी निष्ठा देखो, वो गुरु द्रोणाचार्य जी की एक प्रतिमा बनाता है और रोजाना उसकी पूजा करके और धनुर्धर विद्या का अभ्यास करता है और इतना कुशल हो जाता है कि एक दिन द्रोणाचार्य जी को भी लगता है कि ऐसा ना हो कि ये एकलव्य इतना कुशल धनुर्धर बन जाए कि अर्जुन से भी ऊपर पहुंच जाए। वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से ऊपर कोई धनुर्धर उस समय हो, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य जी को दे दिया। यहां समझने की बात यह है कि बिना गुरु के भी कुशलता हासिल की जा सकती है। जब एकलव्य ने बिना गुरु के कुशलता हासिल कर ली थी तो आपके साथ तो आपके सारे गुरु इंटरनेट के माध्यम से आपको 24 घंटे पढ़ाने के लिए आपके साथ हैं, फिर आप कुशलता क्यों नहीं हासिल कर सकते? निसंदेह हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समय के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इस प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। आप खुद भी इस बात को समझें, बच्चों को भी समझाएं, आप खुद भी इस प्रणाली में काम करना सीखें और बच्चों को भी काम करना सिखाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी एंटायर टीम का, कविराज कुमार हिंदुस्तानी जी का, जो एक विख्यात कवि हैं, हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति हैं। मैं सुबोध यादव जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, अपने फील्ड में बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं, जूडो कोच हैं, बहुत सारे बच्चों को नेशनल भी खिला चुके हैं। वो हमारे बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं श्री दीपचंद जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने 40 साल गवर्नमेंट जॉब में अपने पूर्ण जॉब करने के बाद और हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और बच्चों को अपनी जो अनुभव है उसके आधार पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने स्टूडेंट, अपने स्कूल के स्टूडेंट वैभव गर्ग का भी, जो डांस के माध्यम से बच्चों को डांस सिखाएंगे। वीके त्यागी जी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनको, बहुत बड़े ज्ञाता हैं और उस ज्ञान को बच्चों को वो दे रहे हैं। अनदर और हमें और बच्चों को मार्गदर्शित कर रहे हैं, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूंगा। साथ में केशव शर्मा जी का भी, जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं। लॉकडाउन की स्थिति बड़ी लंबी है, क्योंकि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मॉल्स खुल जाएंगे, उसके बाद में कॉलेज खुलने शुरू हो जाएंगे, सिनेमा हॉल भी खुलने शुरू हो जाएंगे, सार्वजनिक प्रोग्राम को भी अनुमति मिल जाएगी और लास्ट में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब सबसे लास्ट में प्राइमरी स्कूल्स का नंबर आएगा। तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिर कितना लंबा समय इसके लिए हो सकता है। तो समझदारी इसी में है कि हम जल्दी से जल्दी शिक्षा प्रणाली से जुड़ें और बच्चों को इस शिक्षा प्रणाली के बारे में समझाएं और इस पर जुड़ करके ज्ञान लेने का, नॉलेज लेने का की जिज्ञासा उनके अंदर जगाएं और खुद भी उनके साथ बैठ करके इस शिक्षा प्रणाली से जुड़े, खुद भी समझें। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले, हर
इंग्लिश बोले, अदर एक्टिविटीज़ में वो कुशल हो, आगे चले पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में वो कुशलता हासिल करे, तो बच्चा खुद नहीं कर सकता, इसके लिए हमें साथ लगना पड़ता है। गार्जियंस हैं, गार्जियन साथ लगें, टीचर्स तो हमेशा साथ है ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उमेश सेनरा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ सेनरा ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आपको नमस्कार करता हूं और आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय भारत, जय हिंद।